लॉलीवुड के डांस डायरेक्टर पप्पू सम्राट से मिलने एवरन्यू स्टूडियो पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पप्पू भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह के ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पप्पू भाई, आपकी सम्राट फैमिली है, उसका तो तारुफ करवाइए। सम्राट का असली माने हैं, ये संस्कृत का लफ्ज है सम्राट, इसके असली माने हैं किंग। अच्छा, तो मेरे दादा आशिक हुसैन सम्राट साहब जो थे, जिन्होंने हिंदुस्तान से ये टाइटल जीता सम्राट का, सम्राट का। अच्छा। तो ये बड़ा रियर ये जो है ना वो लोग होते हैं, इसके अंदर बहुत कम दुनिया के अंदर सम्राट हैं, बहुत कम लोगों के पास ये सम्राट का टाइटल आया, जिसमें मेरे दादा थे। तो ये टाइटल जो है वो सिर्फ चंद लोगों में ही होता है। आज तक रक्स के अंदर दूसरे कोई सम्राट हैं ही नहीं। आपका वाहिद खानदान? ये वाहिद खानदान है जो सम्राट कहलाता है। ये जब दादा माइग्रेट करके पाकिस्तान आए 47 में पूरी फैमिली के साथ, तो फिर दादा ने आके मेरे दादा के जो छोटे भाई थे मास्टर सदीक सम्राट साहब, वो भी कोरियोग्राफर थे, और आशिक हुसैन सम्राट साहब ने हिंदुस्तान में एज एन आर्टिस्ट भी फिल्में की बहुत सारी, एज हीरो 40-50 फिल्में भी की उन्होंने। और उसके बाद जो माइग्रेट होके इधर आए, इधर भी उन्होंने एज एन एक्टर बहुत सारी फिल्में की। उनके शागिर्दों में से मैडम नूर जहाँ रहीं, सबीहा बेगम, मुसर्रत नज़ीर साहब। आपके खानदान ने उनको भी डांस डायरेक्शन जो है वो? हाँ, वो सभी दादा के शागिर्द थे, दादा की, वो दादा के शागिर्द रहे। फिर उसके बाद मास्टर सदीक सम्राट साहब, जिसमें नागमनी, उमराव जान, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में जितनी थी वो मास्टर सदीक साहब के हिस्से में आ गई। फिर मेरे अबू ने बहुत सारा काम किया, फिर मेरे बड़े भाई खानू सम्राट साहब ने बहुत सारा काम किया, फिर थोड़ा बहुत मेरा भी, मेरी भी 1500-1600 फिल्में तो हो ही गई हैं अब तक। अच्छा पप्पू भाई, जब आप इंडस्ट्री में आए तब कौन सा दौर था और कैसे आप डांस डायरेक्टर कैसे बने? ज़ाहिर ख़ानदान तो आपका एक था ही, बड़ा नाम था ही, आप एंट्री कैसे करते हैं इंडस्ट्री में? देखिए, वो इंडस्ट्री में इन होना इतना आसान नहीं था, चाहे मेरी फैमिली यहाँ थी। वो टैलेंट बेस्ड ही ये काम है। ये जगह जिसमें टैलेंट नहीं है उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिसका नाम स्टूडियो है, जिसका नाम फिल्म इंडस्ट्री है। तो मैंने अपने दादा मास्टर सदीक साहब की शागिर्दी की, और मेरे अबू भी उनके शागिर्द थे, मेरे बड़े भाई भी उनके शागिर्द थे, मेरे चाचा भी उनके शागिर्द थे मास्टर अजीज सम्राट साहब। तो दादा बड़े सख्त आदमी थे। जब मैंने उनकी शागिर्दी की तो डांस तो मुझे आता ही नहीं था, मैं तो एक फारग आदमी था, लड़ाका, ये वो, हंसना, खेलना, क्रिकेट खेल ली, हॉकी खेलने चले गए, कबड्डी खेल करने, ये वाला था मैं असल में। वो अबू ने कहा कि ये तो आवारा है पूरे का पूरा, इसको किसी काम लगाया जाए। तो मेरा इंटरेस्ट तो था ही नहीं डांस में। मैं दादा के पास आया, मैंने कहा जी दादा मैंने डांस सीखना। तो दादा हंस पड़े, दादा कहते तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई डांस की, तू तो इंजॉय कर बस, गुस्से में कहा दादा ने। मैंने कहा नहीं, मैंने सीखना है। खैर, दादा एक सख्त आदमी थे, उन्होंने शुरू करवाया, मुझे समझ ही ना आए, क्योंकि ये तो इल्म सीखने का था, मुझे क्लासिकल की समझ ना आए, मैं आवाज़ार हो जाऊँ कि या अल्लाह कहीं दादा चले जाएं, आज छुट्टी दे दें, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन दादा कहते थे नहीं बेटा, ये 4 घंटे तुम्हारे सिर्फ नाच के ही हैं। खैर, वो शुरू हो गया मेरा प्रोसेस। फिर दादा स्टूडियो आते थे फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो मैं उनको असिस्ट करता था मास्टर सदीक सम्राट साहब को। वो असिस्ट करते करते ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ कितने हसीन लोग आते हैं, यहाँ अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खूबसूरत हीरोइनें, खूबसूरत हीरो, टेक्नीशियन बहुत हसीन थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत हसीन जगह है, इसको तो ज्वाइन करना चाहिए। खैर, वो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होते 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 फिर मैं अपने अबू के साथ भी जाता था, अकबर सम्राट साहब के साथ। तो एक दफ़ा एक पश्तो डायरेक्टर ने कहा अबू को कि ये तुम्हारा बेटा जो है वो मुझे दे दो, मैं इसे गाना करवाऊंगा। तो अबू कहने लगे इसको तो आता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सम्राट फैमिली का कुछ ना कुछ कर लेगा। मैं चला गया जनाब, अब मुझे कोई पता नहीं है कि क्या करना है। खैर, उन्होंने खुद ही किया जो करना था, मैं तो ऐसे ही नाचता ही रहा, जिधर मुँह था उधर ही कर लिया, ना कैमरे का पता कि कैमरे को फेस कैसे करना है,
वो कैमरा इधर पड़ा हुआ तो मैं इधर करके शुरू हो गया हूँ, मतलब इधर मुंह करो। ये खैर मेरा लर्निंग प्रोसेस था। तो जब मैंने कुछ तकरीबन 100 के करीब पश्तो फिल्म की ना, तो मैंने अपने अब्बा से कह दिया, मैंने कहा अबू मुझे तो इसकी समझ भी नहीं आती, ये क्या बोलते हैं, ये क्या इसका एक्सप्रेशन देना चाहिए। अंदाजे से ही आप डांस सिखा रहे हैं। अंदाजे से ही सारा था। तो अबू ने मुझे कहा एक जो मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि जब तुम हॉलीवुड की फिल्म भी करोगे ना तो फॉर्मेट सेम ऐसा ही होगा, ऐसे ही डायरेक्टर होगा, ऐसे ही कैमरामैन होगा, ऐसे ही आर्टिस्ट होंगे, ऐसे ही टेक्नीशियन होंगे, बस लैंग्वेज चेंज होगी और उसका सिनेरियो चेंज होगा, उसका ग्रेड चेंज होगा। अदरवाइज फिल्म जो है वो चाहे पश्तो हो चाहे वो इंग्लिश हो, फॉर्मेट सेम है उसका। तुम्हें इस बात का पता लग जाएगा कि मैंने आर्टिस्टों के साथ बात कैसे करनी है, टेक्नीशियन को ट्रीट कैसे करना है, कैमरा कहाँ रखवाना है और डायरेक्टर को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये एक इल्म है। तो ये तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है। और आहिस्ता 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 फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, एक फिल्म मिल गई हमें जिसके प्रोड्यूसर थे नदीम साहब और मियाँ सदीक साहब। तो वो पहली पंजाबी फिल्म थी इनकी, नदीम साहब की, मुखड़ा। उसमें जो वजाहत अतरे साहब ने गाने बनाए वो रिलीज़ से पहले वो यहाँ हिट हो गए थे गाने, जिसमें बाबरा शरीफ भी थी, जिसमें बाबरा शरीफ थी, नदीम साहब थे उसमें, और बाबरा शरीफ काम तो कर रही थी लेकिन बेसिकली उनका कमबैक था, दोबारा से उन्होंने थोड़ा सा जोर पकड़ा था। मुखड़ा के बाद फिर उन्होंने पकड़ा ही नहीं थी, आर्टिस्ट तो वो बड़े ही थे, पाकिस्तान का एक नाम है बाबरा शरीफ। तो बल्कि मेरे लिए ये फ़ख्र की बात थी कि मैंने उनके साथ काम किया, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि इतने बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो वो ऐसी हिट हुई, फिर अल्लाह ताला ने बाहर लगा दी, फिर सारे स्टूडियो में हमारी ही शूटिंग होती थी। अच्छा मुजाहिद भाई, बातें तो होती रहेंगी, आइए ज़रा चाय पीते हैं, फिर सिलसिला यहीं से चला लेंगे। ये हमारा प्रोडक्शन का ऑफिस है, इसमें आप देखेंगे ना कि सब चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं, क्योंकि 24 घंटे सामान आता है और सामान जाता है, कैमरे का, लाइट्स का, ये सब चीज़ें यहाँ से। अपनी आने वाली वीडियो एल्बम्स दिखाई। आपको पप्पू क्यों कहते हैं? बचपन में आप पप्पू थे? क्योंकि मेरे अब्बू मुझे पप्पू कहते थे। तो फिर मेरा नाम ना फिल्म में भी पप्पू सम्राट के नाम से उन्होंने टाइटल दे दिया। अच्छा। हालांकि मैंने कोई इतनी कोरियोग्राफी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे अब्बू की वजह से उन्होंने उस दिन से पप्पू हो गए। अच्छा पप्पू भाई, आपकी एक मखसूस जुबान है जो आप घर में, राजस्थान, राजस्थानी, तो अगर आप वो बोले कि आज आप लाहौर न्यूज के प्रोग्राम में माने खास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे वो? हाँ, वो आज मैं मेहमान खास की एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बैंक अंदर मैंने आ मेहमान बुलाए और मैं बड़ो शुक्र गुजार हूँ आगो के आ मैंने मैंने प्रोग्राम को हिस्सों बनायो, और जो वो प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर बड़े पसंद करे जा रहे वक्त, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं प्रोग्राम को हिस्सों बने। वाह, तो राजस्थानी जुबान में कोई गाना भी होता है? बहुत गाने हैं। कोई स्थाई उसकी सुना? हाँ। सेनारा बयरिया दी मुमदी रो
सोचा, ओ जी धीमो 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 मदिरो चाल रे बयरिया, धीमो धीमो मदिरो चाल रे बयरिया सेनारा बयरिया दी मोमति रोचा। वाह जी वाह। अपनी डांस एकेडमी का विजिट करवाया। पप्पू साहब, आप कितनी फिल्मों में अब तक कोरियोग्राफी कर चुके हैं? अप्रॉक्सीमेटली अबव 1500। और कितने गाने होंगे जिन पे मुख्तलिफ इन्होंने आपके इशारों पर नाच चुकी होंगी? मुझे खुद याद नहीं है कितने लोग थे उसमें। जितने आपको चेहरे नज़र आते हैं उनमें से चंद चेहरे होंगे जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, अदरवाइज तकरीबन सारे लोग ही हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो कोरियोग्राफर होता है उसकी ज़रूरत फिल्म में या किसी गाने में खासकर फीमेल अदाकारा को डांस करवाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है या मेल एक्टर को? सभी को। देखें, आप अपने तौर पे जो डांस करते हैं वो फिल्म का नहीं है। फिल्म की कोरियोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, उसके लिए कोरियोग्राफर का होना लाजिम है बहुत, क्योंकि उस वो अपने एंगल के हिसाब से अपना कोरियोग्राफी करता है, किस एंगल से कौन सा आर्टिस्ट खूबसूरत लगता है, मुझे जब इतना पोर्शन करना है तो किस लेंस के साथ उसको एक्सपोज होना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए, उसमें ट्रैक चलना चाहिए या उसमें गिम्बल चलना चाहिए या उसमें जिप चलनी चाहिए या स्टडी कैमरा हो, ये देखने के लिए कोरियोग्राफर को ही पता होता है कि इसको मैं किस तरह से शूट करूँगा। तो कौन सा फिल्मी हीरो ऐसा है जिसको आप कोरियोग्राफी सिखाते हो, डांस सिखाते हो और बड़ी जल्दी पिक करता हो? देखिए, सारे ही इस वक्त जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके के सारे किंग हैं। कोई भी आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। हर आर्टिस्ट ने अपना अपना आउटपुट जो है ना, इनपुट जो है वो अच्छी दी है और उन्होंने अपना काम भी बहुत अच्छा किया। ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा करता और वो अच्छा नहीं करता है। ये कोरियोग्राफर को भी इस बात का सेंस होना, कोरियोग्राफी का मतलब ही ये होता है कि अपने आर्टिस्ट के लेवल को देखना है कि वो किस लेवल पर खड़ा हो सकता है। कि हर आर्टिस्ट जो है वो डांसर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसे डांस आना चाहिए, वो बहुत अच्छा एक्टर है, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको किस तरह से एक्सपोज करना है, ये कोरियोग्राफी का पहला बाब है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने आर्टिस्ट को एक्सपोज कैसे करना है, उसको अच्छा कैसे दिखाना है। और अच्छा दिखाने के लिए फिल्म साज क्या करते हैं, गाने के लिए ज़्यादा पैसे लगाते हैं जैसे दूसरे ममालिक में हमसाया मुल्क में होता है कि गाना कोई शूट करना होता है तो उस पर बड़ा रिच लुक दिखाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो पाकिस्तान में या जब आप कर रहे थे या आप कर रहे हैं तो ऐसा होता है? देखिए, दूसरे ममालिक का हम मुकाबला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मुल्क का जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो एक दायरा छोटा है, सिंध पंजाब, ना तो बलूचिस्तान में फिल्म लगती है और ना ही पेशावर साइड पे, अगर लगती भी है तो मेरे ख्याल से ना लगने के बराबर। तो हमारे पास बेसिकली दो सूबे रह जाते हैं फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, तो दो सूबों में प्रोड्यूसर अगर बहुत इन्वेस्ट भी कर देता है, अगर वो अरबों रुपये खर्च कर दे तो अर्न कैसे होगी, क्योंकि वो एक बिज़नेस है, प्रोड्यूसर एक बिज़नेस कर रहा है, उसके बिज़नेस को क्या सूट करता है और इकोनॉमिकली उसको कैसे देखना है, उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो उतनी ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम उस दायरे में रह के काम करते हैं, हम कभी भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कि हमारा वो सर्कल इतना बड़ा नहीं है, हमारे पास दायरा इतना बड़ा नहीं है जिसको हम खोलेंगे। प्रोड्यूसर तो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो लगाने को तैयार भी हैं,
लेकिन आएगा कैसे, वापसी कैसे है, वापसी कैसे है? वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में वापसी नहीं है तो वो बिजनेस नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये हमें सूट नहीं कर रहा। आपके कुछ ऐसे यादगार गाने तो होंगे जो आपको भी बड़े अच्छे लगते होंगे, किस एक्टर पे या किस एक्ट्रेस पे फिल्म आएगी जो आप कहते होंगे ये बहुत खूबसूरत लग रही है या बहुत अच्छा इसने रखा? देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मेरी अगर 1400-1500 फिल्म है उनमें से कोई एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसका गाना मैं कोट करूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है। शायद मैं अभी वो कुछ और करना चाहता हूँ जो मैं अभी तक नहीं कर सका, मेरी मंजिल कोई और है। क्या मंजिल आपकी? देखता हूँ, वो रब से मांगता रहता हूँ कुछ ना कुछ के मुझे लिए कोई क्रिएशन, क्योंकि क्रिएशन जो है वो रब का काम है और वो जब अपने इंसान में मुंतकिल करता है तो उसे एक आर्टिस्ट बना देता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी क्रिएशन करूँ जो किसी ने ना की हो आज तक। रूटीन के काम तो हम करते ही हैं, वो बाग में नाच लेना या क्लब में नाच लेना या घर में नाच लेना या किसी कोठी में या किसी सेट पे, ये सभी लोग करते रहे और करते रहेंगे, कुछ और, कुछ और करना चाहते हैं। अच्छा पप्पू भाई, हमने सुना और आपने करवाया भी है बहुत सारी फिल्मों में काम रीमा ने, कि सुना है कि बहुत अच्छी डांसर हैं, मतलब अज़ा की शायरी उनकी बड़ी अच्छी है, तो वाकई ऐसी बात है? बिल्कुल है, वो उसने रीमा ने इस काम को सीखा, क्योंकि सीखने का काम है, जब तक आप इस काम को सीखते नहीं हो इसकी इसका पता नहीं लगता कि इसको मैंने करना कैसे है। सीखने के बाद आदमी में ताकत आ जाती है करने की, और जो अननोन होता है उसमें वो पावर नहीं होती, वो एक्सप्रेशन नहीं होता, वो उस ताकत से काम नहीं कर सकता जो सीखा हुआ आदमी कर सकता। एक एक टेलर होता है, वो कपड़े बनाता है, आंखें बंद करके ऐसे काट देता है और ऐसे ढड़ करके एक कपड़े बना देता है और वो बहुत हसीन कपड़े बन जाते हैं। वो जो कटिंग करता है उसको ये पता होता है कि मैंने कटिंग करनी कैसे, उसे सीखी होती है, हवा में कटिंग कोई नहीं कर सकता। इस तरह ही ये काम सीखने का है, जिन लोगों ने इसको काम को इज्जत दी, उसको सीखा, अपने उस्तादों के साथ रहे और अपने अपने इस काम के लिए टाइम स्पेंड किया, वो लोग आपको बेहतर नजर आएंगे, और जिन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया है वो थोड़ा कम नजर आएंगे। क्या ऐसा भी हुआ है कि फिल्म के अलावा किसी फिल्म हीरोइन ने आपसे बाकायदा डांस की, रक्स की तरबियत हासिल की हो या आपसे ही सीखा हो, वो कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं इसमें जैसे जो फिल्म में हीरोइन आ गई ना, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए एक अलमिया है कि जो फिल्म में हीरोइन आ जाती है ना, फिर वो ये समझती है कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो मुझे डांस सीखने की ज़रूरत है और ना ही मुझे एक्टिंग की ज़रूरत है, एक्टिंग डायरेक्टर करा लेंगे, डांस कोरियोग्राफर करा लेंगे, फाइट डायरेक्टर करवा लेंगे, कपड़े डिज़ाइनर बना देंगे, बाल हेयर स्टाइलिस्ट बना देगा, मेकअप वाला मुँह ठीक कर देगा। अपनी आउटपुट क्या है, आप क्या कर रहे हो? तो ऐसी कोई नहीं है जिन्होंने आपसे सीखा हो? नहीं, सभी ने एज ऑन सेट तो मेरे से सीखा। अच्छा। जितनी ही आर्टिस्ट आज तक पाकिस्तान में आपको सुपरस्टार नजर आती सारी की सारी मेरी शागिर्दे हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने बाकायदगी से जो इल्म को सीखना है वो मंजिल तय नहीं की। अच्छा, रक्स जो है वो कितना जरूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए? एक्टिंग आना तो जाहिर है, उसके बगैर तो वो कर नहीं सकता, तो रक्स का आना कितना जरूरी है? रक्स बेसिकली एक बैलेंस का नाम है। एक्टिंग में भी जो बंदा लय में हो, जिसको टेम्पो में कहते हैं, जो लय सुर के साथ चलता हो, जिसको टेम्पो का पता हो, वो बेहतरीन एक्टर होगा। जो लय में होता है, जो लय में होगा उसका फुटवर्क डिफरेंट होगा दूसरे से, उसके बोलने का लहजा डिफरेंट होगा। ये सिर्फ डांस ही जरूरी नहीं कि आपको डांस आपने सीख लिया, डांस से बहुत सारी चीज़ों का लेवल बन जाता है। आपका खड़ा होना अलहदा हो जाता है, आपका बोलना अलहदा हो जाता है, आपका एक्टिंग करना अलहदा हो जाता है। जो रिदम में होगा, जो टेम्पो में होगा, वो आदमी बेहतर एक्टिंग कर सकेगा मेरे ख्याल से। अच्छा पप्पू भाई, ये बताएं कि आपने बहुत से पुराने लोगों से भी काम किया, जैसे शुरू में बाबरा ने आपके साथ काम किया या आपने उनके साथ काम किया, तो अब जो नई आने वाली खासकर अदाकाराएं हैं, महविश हयात है, कुछ और लोग हैं, तो इनमें से आपको बेहतर परफॉर्मर कौन लगता है या जिनके साथ आपने काम किया या जिनके साथ आपने काम नहीं किया? देखिए, ये जो जितने भी नई आर्टिस्ट आई हैं ये सारी की सारी टेलीविज़न से आई हैं, तो टेलीविज़न पे कोई इनका इतना स्कोप नहीं था डांस का, वो बैठ के अपना डायलॉग याद करने बस इससे ज़्यादा नहीं था। तो अब ये जो फिल्में हैं, फिल्म थोड़ी सी टेलीविज़न से हटके है, टेलीविज़न की टेकिंग और है, फिल्म की टेकिंग और है, फिल्म के डायलॉग की डिलीवरी और है, टेलीविज़न के डायलॉग की डिलीवरी और है। असल में हीरोइनें वो आई हैं जो खूबसूरत हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
वो खूबसूरत बहुत है, वो हीरोइन है, तो बहुत खूबसूरत लड़का है, वो हीरो है। तो उनको उनकी गुड लक ये है कि उनके पीछे जो टेक्निकल लोग हैं, जैसे सिनेमाटोग्राफर, जैसे डायरेक्टर, जैसे कोरियोग्राफर, जैसे एडिटर्स, ये लोग एक आम आदमी को खास आदमी बना देते हैं। तो ये उनकी क्वालिटी नहीं होती कि वो बहुत अच्छा उन्होंने एक्ट किया है। तो जो जब ये पूरी पिक्चराइजेशन हो जाती तो एडिटर के पास जब जाती तो वहाँ आपको सारे फॉल्ट नजर आएंगे। तो जब वहाँ फुटेज देखते हैं, कहते हैं उफ़ अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया यार, इसने चेहरा ही ठीक नहीं रखा हुआ, ये टेढ़ा क्यों कर रही है, अब हवा क्यों उठाया इसने, वो सारे फॉल्ट हम फिर निकालते हैं कि यार जहाँ इसने टेढ़ा मुंह किया वो हटा दो यार, जहाँ इसका ये फेस आ रहा इसको रख लो यार। तो फिर ग्रेजुअली ये काम सीखने का है ऑब्वियसली। तो जब ये अपने आप को देखते हैं और ये फॉल्ट अपना चेक करते हैं कि मेरे में ये फॉल्ट है, तो ग्रेजुअली डे बाय डे वो फिल्में करते करते वो अच्छे आर्टिस्ट भी बन जाते हैं और उनकी डायरेक्ट डिलीवरी भी ठीक हो जाती है। ये सीखने का ही काम अभी सीखने। अच्छा पप्पू भाई, आपके बड़े भाई थे खानू सम्राट, उन्होंने भी आपके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा उन्होंने भी काम किया, क्या फ़र्क था उनके और आपके काम में या उनके या आपके काम करने के अंदाज में? खानू भाई बेसिकली कंप्लीट आर्टिस्ट थे और मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं मज़दूर हूँ। मैं आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ। मैं अपने उस वक्त के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता हूँ। खानू भाई में ये नहीं था। अच्छा, अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो वो नहीं है, अगर उन किसी को काम नहीं आता है तो उन्होंने साफ कह देना है। अगर वो किसी फिल्म का काम करने गए हैं तो जो उनकी मर्जी का डायरेक्टर है, जो उनको पसंद है उसके साथ काम कर लेना, जो उनको पसंद नहीं है उसके साथ काम ही नहीं करना। तो मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे, मैंने हर आदमी के साथ काम किया, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, बहुत बुरे डायरेक्टर्स के साथ भी। तो मेरी प्रैक्टिस में है, उनकी प्रैक्टिस में ये नहीं था। अच्छा, बुरे डायरेक्टर्स का तो हम नहीं पूछेंगे, आप ये बताएं कि आपको अच्छे कौन से डायरेक्टर लगे जिनके साथ काम करके वाकई आपको भी मज़ा आया और जो आप करना चाहते थे वो आप कर पाए? वो तो बॉस, मैं ये कह रहा हूँ कि गाना जहाँ होना चाहिए, जैसा करना चाहिए था, वो तो आज तक नहीं मिला। कभी बहुत अच्छा गाना है तो आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो सेट अच्छा नहीं है, सेट बहुत अच्छा है तो कपड़े अच्छे नहीं हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं तो मैं आ गया हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। कोई ना कोई फॉल्ट रहा है, 100% कोई चीज़ें नहीं हुई कि हेयर स्टाइलिस्ट पूरा हो, मेकअप वाला पूरा हो, कोरियोग्राफर पूरा हो, एक्टर पूरा हो, सेट पूरा हो, कैमरामैन पूरा हो, डायरेक्टर पूरा हो, ये सब लोग मिलते हैं तो एक गाना बनता। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप समझे कि मैं बहुत अच्छा कोरियोग्राफर हूँ तो मैं बहुत अच्छी अपना कोरियोग्राफी कर सकता हूँ? नो, मैं कैमरामैन के बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर के बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं एडिटर के बगैर कुछ नहीं हूँ। ये सब लोग जब जुड़ते हैं, और स्पेशली मैं एक्टर के बगैर कुछ नहीं हूँ। अगर मेरे पास अच्छा आर्टिस्ट है जो रूह से काम करने वाला है, वो मिलेगा और सारी टीम एक ऐसे होगी ना, तब एक प्रोजेक्ट बनता है। हम ये समझते हैं कि कोरियोग्राफर बहुत अच्छा है, उसने काम करवा लिया, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड पे देखें ना, 200 लड़कियां एक जैसा डांस कर रही हैं, वो कहाँ से लाएं? वो अब नहीं मिलती है, वो है ही नहीं। वो अगर आप करते हैं तो उन लोगों को हम इतना पे करते हैं कि जितना किसी एक, समझें कि एक पानी वाला पिलाने वाला जो लड़का है ना, जो स्पॉट बॉय, वो और डांसर एक जैसे पैसे लेते हैं। आपने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, बहुत साल भी गुजारे, आप ये बताएं कि क्या ये भी तासुर ठीक है कि जिस तरह से गायकी के कुछ घराने हैं जो म्यूज़िक को समझते हैं, उसी तरह से डांस या रक्स को समझने वाले लोग या घराने हैं, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया इसको आम लोगों की तरफ, क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये ठीक बात है, लेकिन हमारे घराने में जो सम्राट फैमिली में, अभी तक कम अज़ कम 30 से 40 कोरियोग्राफर हैं। वो उस लेवल के नहीं है जहाँ दादा थे, जहाँ मेरे अब्बा थे या खानू भाई थे, लेकिन काम वो कर रहे हैं। हमने अपना जो इल्म है वो बांटा है, वो बच्चे काम भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन इंशाल्लाह किसी वक्त में उनका नाम भी हो जाएगा। तो आपके बाद जो है आपके बच्चे इस काम को लेकर आगे चलेंगे? जी, मेरे भतीजे कर रहे हैं, मेरा भतीजा विक्की सम्राट कर रहा है, वो माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने अपने इस सिलसिले को तोड़ा नहीं अभी तक।
अबू भाई जो डांस होता है करने वाले को ज़्यादा हमारी सोसाइटी अच्छा नहीं समझती, कभी इस चीज़ का सामना आपको करना पड़ा? पहले पहले था, लेकिन अब बहुत लोगों में अवेयरनेस आई है, अब लोग इस चीज़ को मायूब नहीं कर रहे, समझ रहे और इसको इज्जत भी दे रहे हैं और इसको लोग समझ गए हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन आर्ट है। और अब ये भी ट्रेंड आजकल है कि जो फैमिलीज़ में शादियां होती हैं उसमें ख़वातीन डांस सीखती हैं, तो आपको कोई ऐसी पेशकश या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं? हाँ, करता रहता हूँ, लेकिन वो भी बहुत सिलेक्टिव, जो मेरे जानने वाले होते हैं उनका, सभी लोगों का मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो जानने वाले होते हैं ना, तो मैं ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा करता हूँ जो मुझे जानते हैं। अच्छा, फिल्म लाइन में जो डायरेक्टर होता है उसकी तो बड़ी डिमांड होती है, और जो गाना होता है उस पर कोरियोग्राफर की बड़ी डिमांड होती है, तो कोई ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि जिसने जिसको आपने बहुत अच्छा डांस करवाया हो उसने कभी आपको दिल दे दिया हो? ओहो, देखें मैं भी इंसान हूँ और वो भी इंसान है, एक दूसरे को पसंद किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा कभी हुआ है कि वाकई आपने किसी को पसंद किया हो? बहुत लोगों को पसंद किया, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैंने भी बहुत लोगों को पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे पसंद किया। तो आपको क्या चीज़ पसंद आई और उनको क्या चीज़ पसंद आई? ये एट द स्पॉट होती है, ये बताया नहीं जा सकता। अच्छा, कौन किसको कैसे पसंद करता है? हाँ, ये बताया नहीं जा सकता। वैसे आप ज़ाती तौर पे तो आपको कुछ लोग अच्छे लगते होंगे, किसी का नाम शेयर करेंगे हमारे साथ? कोई भी किसी को अच्छा लग सकता है, इंसान है और अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन बना के भेजी औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, तो कोई किसी को अच्छा लग सकता है, हमें बहुत अच्छे लगे होंगे किसी को, हम मैं भी अच्छा लग गया हूँ। घर में इस बात पे कभी लेके फटा मिसिस ने कहा हो कि आप इतनी रंगीन दुनिया में रहते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कभी हुआ? नहीं। क्या रिएक्शन होता है? उनको पता है कि फिल्म का आदमी है, मुझे फ़ोन भी आते हैं आर्टिस्टों के, तो मेरी मिसेज सुन रही होती सारे, उनको पता है कि फिल्म का काम करता है, इसका काम ही ऐसा है। तो बात पे कभी कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ आपस के अंदर, उसका फ़ोन क्यों आया, उसने आपको क्यों फ़ोन किया, क्योंकि हम सारे जो ये फिल्म इंडस्ट्री की जो दुनिया है या जो टेलीविज़न की दुनिया है, ये सारे रातों को जागने वाले लोग हैं, या थिएटर की दुनिया के लोग, ये सारे लोग रातों को ज़्यादा पसंद करते हैं जागना। तो अपने यारों दोस्तों में अपना जो इन्जॉय करते हैं, वो अपने वक्त को जो अच्छा स्पेंड करते हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे रातों को, मिलते हैं एक दूसरे को, हंसते खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो यही हमारी लाइफ है। आपकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें क्या मसरूफियत होती है, क्या करते हैं? कोई जैसे गाने की तो रिहर्सल होती है, गाया जाता है, रियाजत की जाती है, तो डांस में क्या होता है? डांस की अपनी प्रैक्टिस है जी, वो मुझे एक घंटा करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अभी भी वो एक घंटा मुझे अपने काम को देना पड़ता है। वो घर पे करते हैं? घर पे, अकेले में। अच्छा, तो पप्पू भाई आपका कभी इत्तफाक हुआ हो बाहर जाने का, तो मुल्क से बाहर कभी आप गए हो, वहाँ का दिलचस्प वाकया, कोई फिल्म का ऐसा दिलचस्प वाकया जो आपको बड़ा मज़ा देता हो, याद आती है? बाहर बहुत वाकया आता है हमारे, एक दफ़ा ना हम मैडम शिवमारा की शूट के लिए गए, तो वहाँ पे मालदीव, ये श्रीलंका के बिल्कुल पास एक जगह है मालदीव, वहाँ हम शूट के लिए चले गए, तो एक आइलैंड था जहाँ हम शूट कर रहे थे, जिस हट में मैं रहता था उस हट के नीचे ना एक लिटअप हुआ था पोर्शन, बहुत खूबसूरत। तो मैंने आपा से कहा, आपा शिव महाराज से, मैंने कहा आप एक शॉट यहाँ लेते हैं, शाम का वक्त था और नीचे मछलियाँ जो हैं वो तैर रही हैं, सफ़ेद रेत है, शाम तक मछलियाँ नज़र आती हैं वहाँ पे, कितनी खूबसूरत जगह है वो। तो मैंने कहा आपा यहाँ एक शॉट लेते हैं, तो कहने लगी हाँ ले लो, क्योंकि आर्टिस्ट तो सारे 24 घंटे हमारे पास ही होते थे। तो मैंने रेशम से और अरबाज से मैंने कहा कि यार एक शॉट लेना आप लोगों का, वो रेडी हो गए, उन्होंने कहा ले लें।
फैसल बुखारी साहब कैमरा मैन थे। हाँ। जब मैं शॉर्ट लेने लगा उससे पहले मैंने दो कुर्सियां रखी नीचे। अच्छा। एक पे रशिम लेटे। हाँ। और एक पे अरबाज बैठा हुआ है। हाँ। और एक गाने का बोल ले लेता हूँ। एकदम हमारा जो इंटरप्रेटर था वहां का श्रीलंका का। हाँ। उस बंदे ने चीख लगाई बहुत ऊंची चीख मारी और मेरा हाथ पकड़ के खींचा उसने। अच्छा। तो फैसल बुखारी के हाथ में मेरा हाथ आ गया। हाँ। और मैंने जंप किया, मेरे पैरों के पास से एक मछली गुजरी और वो तकरीबन इस साइज की मछली होगी। अच्छा। मरून, डार्क मरून, ब्लैकिश मरून कलर की। तो मेरे पाँव को टकराई हुई मछली। तो मुझे जो हमारा गाइड कर रहा था लड़का हमारा उधर का, उसने कहा अगर ये आपके पाँव को पकड़ लेती ना तो इसके दांत ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं, और जब तक आपने अपना मालदीव सिटी तक पहुंचना था क्योंकि बोट में जाना पड़ता था तब तक ब्लड ख़त्म हो जाता है। ओह। वो छोड़ती नहीं है। ओह। तो वो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी देनी थी, एक बचत करनी थी, आगे काम चलाना था। हाँ। तो अचानक मैं बाहर निकल आया और उसके बाद आप मुझे कहेंगे पप्पू वहाँ वो समंदर के अंदर ना वहाँ शॉर्ट है। मैं नहीं गया, मैंने अब मैंने अंदर नहीं घुसना, बहुत हो गई। मैंने मरना नहीं भाई। अच्छा, एक हमारी फिल्म में एक लफ्ज़ होता है कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई कंटिन्यूटी मिस हो गई हो और कोई ऐसा वाक्या? कई दफ़ा। एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक शूट पे हम चले गए। अच्छा। जिसमें सायमा थी और शान साहब। जब हम सेट पे पहुंचे, हम दूर बहुत थे। अच्छा। जब हम सेट पे पहुंचे तो जो मेकअप वाला था जिसके हाँ। पास शान साहब की मूछें थी। अच्छा, जो मूछें फिल्म में लगाई जाती है। फिल्म में लगी हैं। हाँ। तो वो अचानक आके मुझे कहता है कि पप्पू भाई मुझे बचा लो। मैंने क्या हुआ है? हाँ। कहता है मैं मूछें भूल गया हूँ। मैंने कहा मूछों के बगैर पूरा गाना कैसे होगा? मैंने शान साहब से कहा, मैंने कहा यार ये बच्चा है भूल गया है, इंसान है, गलती हो गई है। शान साहब ने कहा कि बताना नहीं किसी को। ठीक हो गया जी। अब हमने एक पोर्शन करना था पूरा इंट्रोडक्शन और अस्थाई भी, उसमें हीरो गा रहा है। अब शान साहब ने क्या अपने चेहरे के आगे ऐसे हाथ रखा है ऐसे करके, सायमा के शोल्डर पे भी ऐसे हाथ रखा है, वो पूरा पोर्शन हमने मूछों के बगैर किया। अरे वाह, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन शान साहब जो है वो एक टैलेंटेड आदमी है, वो गाना भी पता नहीं लगने दिया कि मूछें नहीं, लगने दिया कि मेरी मूछें नहीं। ये कभी कभी ऐसे वाक्यात होते हैं, एवरीडे तो नहीं होता, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सा वाक्या था कि एक हीरो की मूछें नहीं है और गाना करना है। बब्बू भाई, आप मुस्तकबिल में आप क्या कर रहे हैं? फिल्मों में तो इतना काम अब नहीं है और जो जो था वो आपने तारीख रकम कर दी, इतना काम किया है, तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब मैं कोरियोग्राफी के साथ साथ डायरेक्शन कर रहा हूँ। फिल्म डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, वीडियो डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और अपना एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा हूँ। अभी मैं उसको ओपन नहीं करूँगा लेकिन वेरी सून मैं उसका प्रोमो स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोई मूवी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी फिल्म का प्लान कर रहा हूँ, एक अच्छा। फिल्म स्टार्ट करने का है मूड मेरा। अच्छा। अदरवाइज जो वीडियोज हैं वो तो मैं एवरीडे तकरीबन एक दो दिन के बाद कोई ना कोई कर लेता हूँ। अच्छा भाई, क्या जो मुआवजा है फिल्म की कोरियोग्राफी का, वो शुरू से या पहले या आपसे उसका मुआवजा माकूल मिलता है? बस मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जिस जगह पे हम रहते हैं उसके हिसाब से ठीक है। हम कई कंपैरिजन करें किसी और मुल्क के साथ। हाँ। कि वहाँ के लोग जो है वो 20 लाख रुपए गाने का लेते हैं तो वहाँ की जो है ना रिकवरी भी उतनी है, वो लोग भी उनके पूरी दुनिया में फिल्म लगती है वो रिकवरी उतनी हो जाती है। तो हमारा जितना है वो उसके हिसाब से हम मुआवजा ठीक लेते हैं, बुरा नहीं है। तो आपके जो आपसे पहले जो काम करने वाले कोरियोग्राफर थे, आपके वालिद और आपके दादा के अलावा आपको कौन? अमित चौधरी साहब। अमित चौधरी साहब एक कंप्लीट पैकेज का नाम था। वो उतने ही डायरेक्टर थे, उतने ही कैमरामैन थे और उतने ही कोरियोग्राफर थे। अच्छा।
बाइल्म आदमी थे वो। उनका कौन सा कोरियोग्राफ किया हुआ गाना जो आप समझते हैं बड़ा लाजवाब और लाजवाब? उनका तो कोई एक गाना थोड़ी कहूँगा मैं, उनके तो सारे गाने ही। अमीर चौधरी साहब का नाम क्लिक करें तो पूरी हिस्ट्री निकल आती है, एक बड़ी हिस्ट्री निकलती है जिसके अंदर हिट की रेशो मैं बता ही नहीं सकता। इतना हिट म्यूजिक उनके नाम लगता है, जैसे साला साहब, जैसे शेर खान और बहुत सारी फिल्में। ये मैंने दो फिल्मों के नाम सिर्फ बताए आपको, ऐसी हज़ारों फिल्में हैं। वो एक नायाब आदमी थे और बड़े क्रियावर थे।